राहुल गांधी बाढ़ से प्रभावित अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का जायजा लेने के लिए आज जाएंगे केरल। पीड़ितों से मुलाकात कर देंगे हर संभव मदद का आश्वासन। राहुल ने बाढ़ की स्थिति को लेकर पीएम मोदी से भी की थी बात। जम्मू कश्मीर में ईद से पहले फिर गुलजार हुए बाजार। धारा 144 में ढील की वजह से फिर से लौटी रौनक। आज घाटी में इंटरनेट सेवा पर लगी रोक पर से भी हट सकती है पाबंदी। सत्यपाल मलिक बोले, जम्मू कश्मीर में ईद पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की कोशिश जारी। पश्चिम बंगाल में सेंधमारी की तैयारी में बीजेपी। ममता के गढ़ में बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन आज। कैलाश विजयवर्गीय, बाबुल सुप्रियो, संजय सिंह समेत कई सांसद और प्रदेश स्तर के नेता होंगे शामिल। ममता को मात देने की रणनीति पर होगी चर्चा। आज से 3 दिवसीय यात्रा पर चीन जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत चीन उच्च स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे विदेश मंत्री। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। कहा, चीन हमारा एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। औद्योगिक और व्यापारिक प्रोत्साहन के लिए रूस जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। रूस में होने वाले कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। डिफेंस कॉरिडोर समेत कई एमओयू पर होंगे हस्ताक्षर। फिक्की और अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही कंपनियों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। राजस्थान पर टिकी बीजेपी की नजर। सूबे में सदस्यता अभियान को धार देने में जुटे नेता। आज राजस्थान में बीजेपी मनाएगी लक्ष्य पूर्ति सप्ताह। 30 लाख सदस्यों को जोड़ने का रखा है लक्ष्य। मध्य प्रदेश में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने लगाया जोर। आज होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। वरिष्ठ नेता देंगे एकजुटता का संदेश। 2 विधायकों के सीएम कमलनाथ के समर्थन से सख्ते में है बीजेपी। भारी बारिश से बेहाल हुआ कर्नाटक। सूबे में गई कई लोगों की जान। मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा आज करेंगे मंगलुरु में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। सूबे में एनडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी। अमेरिका तालिबान के बीच अगले हफ्ते शांति समझौते पर हस्ताक्षर के आसार। तालिबान के सदस्य मुल्ला खैरुल्ला ने कहा, ईद उल जुहा के बाद जारी रहेगी वार्ता। 13 अगस्त को लिया जा सकता है फैसला। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज होगा दूसरा वनडे मुकाबला। दूसरे मैच में उतरने के साथ ही 300 वनडे खेलने वाले वेस्टइंडीज के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे क्रिस गेल। बारिश में धुल गया था सीरीज का पहला मैच।